नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के बजट की बड़ी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर आज के बजट में बड़ी बातें, खास बातें क्या है। इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये क्या हम इस बार बजट में नजर आया। मोदी सरकार बुजुर्गों की लाठी बनी है। 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ITR भरने से मुक्त रख दिया गया है, यानी कि उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। वही पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस रहेगा। हालांकि आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा, ये भी कहा जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने खजाना खोला है। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। वाहन स्क्रैप पॉलिसी का भी ऐलान किया गया है, जिसमें से 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां हटेगी इस पॉलिसी के अंतर्गत। राजकोषीय घाटा 6.8% तक रहने का अनुमान है और इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ की जरूरत भी होगी और इस जरूरत को पूरा किया जाएगा अगले 2 महीनों में बाजार से। डिजिटल जनगणना और स्पेस मिशन का भी ऐलान किया गया है इस बजट में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार लॉन्च करेगा PSLV CS51। वही लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। तो ये अहम बातें कुछ आज बजट की रही हैं, जहां पर लॉन्चिंग की भी बात की जा रही है। लेकिन सबसे अहम ये है कि जो कोरोना काल के मद्देनजर कोविड के लिए वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ अलग से रखे गए हैं। किसानों के हित की बात यहां पर की गई है इस बजट में। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है और स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत 20 साल पुरानी जो निजी गाड़ियां हैं उसे हटाया जाएगा। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का भी ऐलान कर दिया गया है। खासतौर से फोकस हेल्थ सेक्टर पर सरकार कर रहा है। हालांकि आम लोगों पर असर पेट्रोल डीजल में लगे सेस का नहीं होगा। डीजल पर 4 रुपए, पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाया गया है। कृषि सेस लगाया गया पेट्रोल डीजल पर, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इसका असर आम जन पर नहीं होगा, यानी कि जो पेट्रोल डीजल के अभी दाम है उससे कोई फर्क नहीं आएगा। सरकार ने हालांकि खजाना खोला है वैक्सीन के मद्देनजर, जैसा कि बताया कि 35,000 करोड़ का फंड का ऐलान अलग से किया गया है वैक्सीन को लेकर। वाहन स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जो कि प्रदूषण एक अहम वजह है। जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है उसे कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वाहन स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, जिसमें 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां हटेंगी सड़कों से। राजकोषीय घाटा 6.8% तक रहने का भी अनुमान लगाया गया है और इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ की जरूरत इसके लिए होगी और इस जरूरत को पूरा किया जाएगा अगले 2 महीनों में, वो भी बाजार से। डिजिटल जनगणना और स्पेस मिशन का भी ऐलान आज के बजट में किया गया। किस सेक्टर को क्या मिला बजट में, चलिए अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अलग अलग सेक्टर है, कहां पर खुश है लोग और क्या जितनी उम्मीद थी वो मिला या नहीं। कृषि और फिशिंग सेक्टर के लिए ऐलान किया गया। स्वामित्व योजना को अब लागू किया जाएगा देश भर में। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का भी ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा इस स्कीम में और किसानों को स्कीम का पूरा फायदा भी पहुंचाया जाएगा। 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में यहां पर तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास होगा। वही प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई। मजदूरों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डेटा यहां पर शामिल होगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी। नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी, ये बजट में शामिल किया गया है। MSME सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान भी किया गया है। MSME सेक्टर के लिए बजट को बढ़ाया गया है। तो ये हम अहम बात कर रहे हैं कृषि को लेकर, जहां स्वामित्व योजना को अब लागू किया जाएगा देश भर में। कृषि और फिशिंग सेक्टर के लिए ये अहम ऐलान किया गया है। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक का किया जा रहा है और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का भी ऐलान किया गया है। कई फसलों को इसमें शामिल किया गया। इस स्कीम में 22 ऐसी फसलें जो इसमें शामिल नहीं थी, जो जल्दी खराब हो जाती है, उसे स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस स्कीम का पूरा फायदा किसानों को पहुंचेगा। इसके अलावा 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में भी तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास होगा। इधर प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। मजदूरों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा हुआ पूरा डेटा इसमें शामिल होगा। महिलाओं को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अब महिलाएं सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत महिलाओं को मिलेगी। नाइट शिफ्ट में खासतौर से पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। MSME सेक्टर के लिए बात करें तो यहाँ पर भी बड़ा ऐलान किया गया है, बजट बढ़ाया गया है MSME सेक्टर के लिए। अब मोदी सरकार के बजट में क्या मिला है किसानों को, इस पर नजर डालते हैं। सीतारमण ने बजट भाषण में सरकार को किसानों के लिए समर्पित बताया और कहा किसानों की आय दोगुना करने के लिए काम कर रही है सरकार। मोदी सरकार ने UPA सरकार से करीब 3 गुना राशि अधिक पहुंचाई है किसानों के खातों में। मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है।
दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी दरें भी बढ़ाई गई हैं। तो किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित है सरकार, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जब बजट भाषण की शुरुआत भी उन्होंने की और बताया कि पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित सरकार है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य सरकार का है और इसी के मद्देनजर ही सरकार काम भी कर रही है। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि अधिक किसानों के खातों में पहुंचाई है जिससे किसानों को मदद मिल सके। मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की भी यहां पर एमएसपी दरें बढ़ाई गई है और ये सब कोशिश सरकार की तरफ से थी क्योंकि किसान सरकार के लिए प्राथमिकता में है। इधर इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। इसे लेकर अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक एफडीआई हो सकेगी। पहले सिर्फ 49% तक ही इजाजत दी जाती थी और इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है। स्टार्टअप कंपनियों के लिए यह ऐलान किया गया और इसके तहत करीब 1% कंपनियों को मंजूरी दी जाएगी और बिना किसी रोक टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी मिलेगी। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही, कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी और इस वर्ष LIC के IPO को बाजार में लाने का भी ऐलान यहां पर आज इस बजट में किया गया है। तो अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI हो सकेगी। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह अहम ऐलान किया है। पहले सिर्फ 49% तक ही इसमें इजाजत थी और इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया। स्टार्टअप कंपनियों के लिए यह ऐलान किया गया है और इसके तहत ही करीब 1% कंपनियों को मंजूरी दी जाएगी और बिना किसी रोक टोक के शुरुआत के काम करने की मंजूरी रहेगी, किसी तरह की रोक टोक नहीं रहेगी। बजट भाषण में साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी और इस साल LIC के IPO को बाजार में लाने का भी ऐलान आज के बजट में किया गया। अब बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को क्या मिला है, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। स्वास्थ्य में रखा है 2.24 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव, ये स्वास्थ्य के लिए रखा गया है। वर्ष 2021-22 के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा वित्त वर्ष बजट परिव्यय की तुलना में 137% का इजाफा किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने खजाना खोला है। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया और देश भर में न्यूमोकोकल टीकों को उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI की भी घोषणा की है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहां पर खजाना खोल दिया है सरकार ने, जहां 2.24 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है और ये 2021-22 के लिए प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा वित्त वर्ष बजट परिव्यय की तुलना में 137% का इजाफा किया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने खजाना खोला है क्योंकि सिर्फ वैक्सीन के लिए ही अलग से 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। देश भर में न्यूमोकोकल टीकों को उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई और हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चों की जान इससे बचाई जा सकेगी। वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI की घोषणा की है। तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अहम ऐलान है जो आज बजट में किए गए। बजट में क्या मिला बिजली क्षेत्र को, बिजली क्षेत्र में निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार की ओर से लॉन्च की जा रही है स्कीम, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम है। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम होगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट पूरे होंगे। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। शुरू में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए दिए गए 1,624 करोड़ रुपए, वहीं गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकिल करने का भी काम यहां पर किया जाएगा। तो बिजली के क्षेत्र में भी अहम ऐलान किया गया है, अहम घोषणाएं की गई हैं आज के इस बजट में। बिजली क्षेत्र में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से स्कीम लॉन्च की जा रही है, अलग अलग स्कीम है, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम रहेगी। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर इस स्कीम के तहत काम किया जाएगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान है। बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट यहां पर पूरे होंगे। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जाएगा। शुरू में हालांकि मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए 1,624 करोड़ रुपए दिए गए। गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकिल करने का भी काम होगा। बजट में आखिर क्या मिला रेलवे को, रेलवे और मेट्रो के लिए बड़ा ऐलान आज बजट में किया गया है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार कर ली गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का ये बजट रेलवे को दिया गया है। मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा और इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
अब मेट्रो लाइट लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट पर हवा देने का ऐलान आज के इस बजट में किया गया है। तो रेलवे को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर कोशिश रहेगी। रेलवे और मेट्रो के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार कर ली गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है जो कि सिर्फ अकेले रेलवे को दिया गया है। मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर भी यहाँ पर पूरी तरह से फोकस रहेगा और इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब मेट्रो लाइट लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कोची, बेंगलुरु हो, चेन्नई, नागपुर और नासिक, यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है आज के बजट में। और इतना ही चुनावी राज्यों के लिए भी सरकार का ऐलान है। बंगाल समेत कई चुनावी राज्यों के लिए अहम घोषणा की गई है। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम होगा। 1.03 लाख करोड़ की लागत से ये काम किया जाएगा और इसी में बनाए जाएंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी। केरल में भी बनाए जाएंगे 65,000 करोड़ रुपए से नेशनल हाईवे। इधर मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए एनएच प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। असम में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। चारों राज्यों में होने हैं इस साल विधानसभा चुनाव और माना यही जा रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं। बड़ा ऐलान इस बजट में किया गया है इन चारों राज्यों के लिए। तो प्लान पूरी तरह से है। आज अनाउंसमेंट भी हुआ इस बजट में खास तरह से फोकस रहेगा जहां पर केरल में 65,000 करोड़ रुपए में नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। इधर मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए एनएच प्रोजेक्ट का ऐलान है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर का ये हाईवे यहाँ पर बनेगा। तो असम में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। ये चार राज्य जहाँ पर अहम ऐलान हुए हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है इन बड़े प्रोजेक्ट को जो कि चार राज्यों में अनाउंस किए गए। बजट में टेक्सटाइल पार्क के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। देश में बनाए जाएंगे 7 नए टेक्सटाइल पार्क ताकि क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये सभी पार्क 3 साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट DFI बनाने का ऐलान है जिसमें 3 साल में 5 लाख करोड़ रुपए के उधारी प्रोजेक्ट होंगे। रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब ताकत होगी। कई प्रोजेक्ट जो अपने लेवल पर पास करने की भी ताकत रहेगी। पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान भी किया गया है और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दिए जाएंगे 2 लाख करोड़ रुपए। तो ये ऐलान भी आज बजट में किया गया। खास तरह से फोकस इसे लेकर भी रहा है जब टेक्सटाइल पार्क के लिए बड़ा ऐलान भी किया गया। 7 नए टेक्सटाइल पार्क देश में बनेंगे ताकि क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये सभी पार्क 3 साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी DFI बनाने का भी ऐलान है जिसमें 3 साल में 5 लाख करोड़ रुपए के उधारी प्रोजेक्ट हो। रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब ताकत होगी। कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत इनके पास रहेगी। पूंजीगत व्यय के लिए भी 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को 2 लाख करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी ऐलान आज बजट में हुआ है। सीतारमण के 1 घंटे 50 मिनट लंबे बजट भाषण में यह ऐलान किया गया। सरकार की ओर से इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए दिए गए हैं। WHO के स्थानीय मिशन को लॉन्च किया जाएगा भारत में। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत शहरों में अमृत योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए के भी जारी किए गए हैं इस मद पे। और इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान कर दिया गया है जो कि पहले भी किया गया था। इस पर भी फोकस पूरी तरह से है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया गया है आज बजट में। कुल 1 घंटे 50 मिनट का लंबा भाषण था बजट भाषण जिसमें सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। इसमें 64,180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। WHO के स्थानीय मिशन को लॉन्च किया जाएगा भारत में। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया और इसके तहत ही शहर में अमृत योजना को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए की भी जारी किए गए हैं और इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया है। तो पूरी तरह से फोकस यहां पर जहां पर आत्मनिर्भर बनने की बात कही जा रही थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम ऐलान की बात कही जा रही थी, वहीं अब आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी ऐलान आज बजट में कर दिया गया है। सरकार की ओर से सिर्फ इस के लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। WHO के स्थानीय मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा भारत में, ये लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया और इसके तहत ही शहरों में अमृत योजना को बढ़ाया जाएगा आगे।
2,87,000 करोड़ रुपए का ये बजट भी यहाँ जारी किया गया है इस मिशन के लिए खासतौर से, और इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया गया। कैप, टोपी, साड़ी और शॉल, बजट भाषण में कुछ यूं दिखा लोकल फॉर वोकल का संदेश। बजट के दौरान दिखे कुछ स्पेशल नजारे, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और वित्त मंत्री की साड़ी, शॉल, टोपी ने यहाँ पर इंप्रेस किया है। ये सभी नेता अपनी ड्रेस के जरिए लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल का संदेश यहाँ पर दे रहे थे। कत्थई रंग की हैंडलूम साड़ी पहनकर बजट भाषण पढ़ा सीतारमण ने। साड़ी पर दुर्गा पूजा में यूज होने वाली चुनरी से मिलते जुलते प्रिंट दिखे। भारत के ग्रामीण परिवेश में महिलाएं पहनती रही हैं इस तरह की साड़ियां, और इसके साथ ही मेड इन इंडिया टैब से बजट पेश किया सीतारमण ने। देश का पहला पेपरलेस बजट इसी टैब के जरिए पेश किया गया, और वहीं चर्चा में रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वुलन की सफेद पश्मीना शॉल। जम्मू कश्मीर की खास पहचान होती है पश्मीना शॉल। कश्मीर के कारीगरों में इस शॉल को तैयार करने में महारत हासिल है, और इस शॉल को भी बिल्कुल गरीब तबके के कारीगर छोटे मोटे उद्योग लगाकर बनाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आज हिमाचली टोपी पहने नजर आए। इस तरह की टोपी हिमाचल प्रदेश के छोटे कारीगर ही तैयार करते हैं, और आमतौर पर ये टोपियां मेले आदि में बेचते हैं छोटे कारीगर ही। सचमुच इन टोपियों का इस्तेमाल हो पूरे भारत में तो सुधर जाए हिमाचल के इन कारीगरों के हालात। और इस प्रकार मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का संदेश आम जन तक पहुंचाने की कोशिश आज हुई है। बजट के दौरान ये खूबसूरत नजारे भी देखने को मिले जिस पर नजरें सबकी पड़ी। हालांकि वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लोकसभा स्पीकर हो या फिर खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बजट भाषण में कुछ यूं नजारे आज नजर आए हैं। अलग ही नजारे देखने को मिले, कह सकते हैं खास नजारे थे जब प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और वित्त मंत्री की साड़ी, शॉल, टोपी ने यहाँ पर सभी को इम्प्रेस किया। चलिए बढ़ते आगे, बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। ऑटो पार्ट, सोलर इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान बजट में किया गया। कॉटन, कच्चे रेशम पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ऑटो पार्ट, सोलर प्रोडक्ट, मोबाइल चार्जर, इम्पोर्टेड कपड़े, रत्न, एलईडी बल्ब, फ्रिज, एसी और शराब भी यहाँ महंगे हुए हैं। नायलॉन के कपड़े, लोहा, स्टील, कॉपर आइटम्स, सोना, चांदी और प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटाकर इसे सस्ता किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए भी टैक्स हॉलीडे साल भर और बढ़ाया गया है। वहीं पुरानी गाड़ियों के लिए सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आई है। तो ये वो चीजें हैं जिस पर नजर रही, कहीं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है जिससे वो सामान महंगा हुआ है, कहीं पर कम की गई है जिससे सस्ता हुआ है। इसमें शामिल है ऑटो पार्ट, सोलर इक्विपमेंट्स इसमें शामिल है जिसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा कॉटन, कच्चे रेशम पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। कॉटन, सिर्फ प्लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ऑटो पार्ट, सोलर प्रोडक्ट्स, मोबाइल चार्जर और इम्पोर्टेड कपड़े, रत्न भी इसमें शामिल है। एलईडी बल्ब, फ्रिज, एसी और शराब भी महंगी हुई है क्योंकि इसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा नायलॉन के कपड़े, लोहा, स्टील, कॉपर आइटम, सोना, चांदी और प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटाकर इन्हें सस्ता किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए भी टैक्स हॉलीडे साल भर और बढ़ाया गया है। वहीं पुरानी गाड़ियों के लिए सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लेकर आई है। पुरानी गाड़ियों के लिए ये पॉलिसी लेकर आई गई है ताकि अब प्रदूषण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है उसे किसी तरह से नियंत्रण किया जा सके। स्क्रैपिंग पॉलिसी के वजह से अब यहाँ 20 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी पुरानी गाड़ियों के लिए लेकर आया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम सामान की बात करें, कुछ आइटम्स की बात करें, तो जिसमें शामिल है ऑटो पार्ट्स जो कि अब महंगे होंगे। सोलर इक्विपमेंट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान है। कॉटन, कच्चे रेशम पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, अब ये भी महंगा होगा। कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात करें, ऑटो पार्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स हो या फिर मोबाइल चार्जर, इम्पोर्टेड कपड़े भी अब महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी इस पर बढ़ा दी गई है। रत्न भी इसमें शामिल है जिसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। एलईडी बल्ब, फ्रिज, एसी और शराब भी अब महंगा होगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी में बढ़ाई गई है। तो ये पहले जिस प्राइस में मिलते थे अब उससे ये महंगे मिलेंगे। इसके अलावा नायलॉन के कपड़े हैं, वो लोहा है, स्टील है, कॉपर आइटम्स है, सोना चांदी है, प्लैटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है जिससे ये सामान अब पहले से सस्ते होंगे। स्टार्टअप्स के लिए भी टैक्स हॉलीडे साल भर और भी बढ़ाया गया है। वही पुरानी गाड़ियों के लिए सरकार अब स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आई है जिस वजह से अब जो 20 साल पुरानी गाड़ियां होंगी वो सड़कों पर नजर नहीं आएंगी, और उनके लिए ही सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आई है ताकि प्रदूषण से भी कहीं ना कहीं निजात मिल सके। और चलिए शिक्षा न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।